दीपावली की इस खास रौनक पर जहां लोग रोशनी देखने के लिए पहुंच रहे हैं, रामा श्यामा कर रहे हैं, तो अनेक पार्टियों के लोग भी, सभी नेतागण भी, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व भी साथ साथ है, रामा श्यामा कर रहे हैं। और आरएलपी से उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप भी अपने समर्थकों के साथ बाजारों में रामा श्यामा कर रहे हैं। बाजारों में घूम घूम कर बाबूलाल कुलदीप रामा श्यामा कर रहे हैं सभी शहरवासियों को। और बाजार में सभी लोगों से बाबूलाल कुलदीप घूमकर रामा श्यामा कर रहे हैं। आरएलपी से उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप बाजारों में निकले हैं, सभी से हाथ मिलाकर सभी का सभी शहरवासियों से घूम घूम कर दीपावली की शुभकामनाएं दी जा रही है। जब्बार जी भुट्टा, अमृता जी चौधरी, सभी नेतागण आरएलपी के, सभी व्यापारियों से रामा श्यामा कर रहे हैं बाबूलाल जी, हाथ मिलाकर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं व्यापारियों को। बाजारों में शानदार रौनक यहां पर छाई हुई है और ऐसे मौके पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी जा रही है बाबूलाल जी के द्वारा, और पूरे समर्थकों के साथ बाबूलाल जी कुलदीप यहां पर बाजारों में रामा श्यामा करने के लिए निकले हैं। बाजारों में घूम घूम कर सभी का अभिवादन, शुभकामनाएं दी जा रही है, आशीर्वाद ले रहे हैं बुजुर्गों से। सभी व्यापारियों से मिल रहे हैं, अपने समर्थन की अपील भी साथ साथ में कर रहे हैं। दीपावली के इस खास मौके पर बाजारों में रौनक छाई हुई है, और इस मौके पर साथ साथ में, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व भी है, तो सभी नेतागण जो हैं वो बाजारों में घूमकर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आरएलपी से उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप बाजारों में घूमकर सभी व्यापारियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कहेंगे आज का जो ये दिवस है, खास दिवस है दीपावली का सभी क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पावन पर्व पर सभी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों को और पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विशेष तौर से मातृशक्ति को भी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस तरह से बाजार में अभी जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो माताओं की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई भाई, सबसे ज़्यादा है महिलाएँ अभी है, तो माइनॉरिटी समाज से, तो ये हमारा जो सुजानगढ़ का जो भाईचारा है वो दीपावली ईद के दिन नज़र आता है, और सुजानगढ़ हमेशा भाईचारा के प्रति हमेशा एक मिसाल बनकर सामने, हमेशा मिसाल बनकर रहा है। बिल्कुल, इस दीपावली के मौके के साथ साथ आगे लोकतंत्र का पर्व भी है, तो क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, दीपावली के त्यौहार के साथ साथ लोकतंत्र का पर्व, आप देख रहे हो जिस तरह से महिलाओं में जोश है, जिस तरह से युवाओं के सुजानगढ़ युवाओं में, 36 कौम में जो जोश देख रहे हो, अपने आप ही पता लगता है। सुबह मेरे को बिदासर बुलाया गया, बिदासर में शानदार रामा श्यामा का प्रोग्राम, सबका ननिहाल है, मेरा शानदार आशीर्वाद मिला। टेंडेसर, सांडवा, सब जगह लोगों ने एक से एक बढ़कर आशीर्वाद दिया, और ये जो हुजूम अभी देख रहे हो सुजानगढ़ में, जिस तरह से हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, माइनॉरिटी, एसी, दलित, सारी जातियां एक साथ होकर इस पर्व के पर, यह अपनी बार हनुमान जी बेनीवाल, आरएलपी के मुखिया हनुमान जी बेनीवाल साहब को सुजानगढ़ की विधानसभा ने मन बना लिया है कि शानदार आने वाली 20-25 तारीख को वोटिंग के दिन आरएलपी को सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और बाबूलाल कुलदीप को शानदार आशीर्वाद देने वाली है। अमृता जी चौधरी भी आरएलपी के नेता यहां मौजूद है, क्या किन शब्दों में क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देंगे? दिवाली की सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो 25 तारीख को मतदान पर्व आ रहा है उसमें मैं हाथ जोड़ के सभी क्षेत्रवासियों से अपील करती हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नए राजस्थान निर्माण के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में भाई बाबूलाल जी कुलदीप को समर्थन देके एक नंबर का बोतल का निशान दबा के भारी मतों से जिता के विधानसभा में काम भेजने का काम ये जनता करेगी। और मैं एक और सूचना देना चाहती हूँ कि 15 तारीख को हमारी पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल टेंडेसर में एक रैली के रूप में पधार रहे हैं, तो जितने भी क्षेत्रवासी आपके चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि भारी संख्या में वहाँ पहुँच करके भाई बाबूलाल जी को आशीर्वाद दें। धन्यवाद,
शुक्रिया। जब्बार जी भुट्टा से भी थोड़ी सी बातचीत करूंगा, क्या कहेंगे आप लोग? मैं पूरे सुजानगढ़ वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। और दीपावली के साथ साथ जैसे एक बुराई पर जीत होती है, 25 तारीख को आप ये ध्यान कर लेना, एक बुराई के ऊपर जीत होगी और वो जीत आप करोगे अपना मतदान देके। और लोगों को ये समझाओगे आप कि एक परिवारवाद से आपको छुटकारा अगर लेना है तो भाई बाबूलाल कुलदीप और आरएलपी के नेता बोतल का निशान, इस निशान को भूल नहीं जाना। ये बोतल का निशान आपका भविष्य है, सुजानगढ़ का उज्ज्वल भविष्य है, सुजानगढ़ का विकास का भविष्य है। अगर सच्चाई की जीत है तो बाबूलाल कुलदीप है। जय हिंद, जय भारत। मैं तो सभी देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। मेरा यही कहना है कि जैसे रामायण में जब रावण का अहंकार बढ़ गया था, उसकी लंका को जलाने के लिए हनुमान ने अवतार लिया था, और उसी लंका को जैसे दोनों पार्टियों का जो भ्रष्टाचारी रूपी इन्होंने लंका बना रखी है, इसका नाश करने के लिए भी आज हमारे पास हनुमान का विकल्प है। तो मैं सभी से यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ होकर बाबूलाल जी कुलदीप को विजय बनाया आप। बहुत अच्छी बात है, शुभकामना। आज इस पर्व पर दीपावली के और ये गंगा जमनी तहजीब को देख करके और इस बात की मैं पूरे शहर वासियों को, ज़िले वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। और ये कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये भाईचारा हमेशा कायम रखे, हमारे देश में अमन रहे, सुकून रहे, चैन रहे। अब रही बात लोकतंत्र की, लोकतंत्र में लोगों ने ठान लिया है कि इस बार आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। जय हिंद। समर्थकों के साथ यहाँ पर रामा श्यामा सभी बाजार वासियों से कर रहे हैं, व्यापारियों से रामा श्यामा कर रहे हैं बाबूलाल कुलदीप, सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी शहर वासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं बाबूलाल कुलदीप हाथ जोड़कर। और जोरदार समर्थकों के भीड़ के साथ यहां पर बाजार में पहुंचे हैं बाबूलाल कुलदीप। बाजारों में घूमकर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी लोगों से घूम घूम कर व्यापारियों से मिल रहे हैं बाबूलाल। रौनक बाजारों में रही और कांग्रेस से मनोज मेघवाल, बीजेपी से संतोष मेघवाल, बाबूलाल कुलदीप आरएलपी से और निर्दलीय जो राजेंद्र नायक और सभी जो प्रत्याशी हैं बाजारों में घूम घूम कर आज जो है बधाइयां सभी को दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। और रौनक देखते ही यहां बाजारों में बन रही थी और खास प्रसिद्ध एसएमबी सुजानगढ़ का, जहां भी लोग मिठाइयों में खरीदने के लिए उत्साह देखने को मिला। सुजानगढ़ के बाजारों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का धन्यवाद।